गोविंद पारिक में हम अपना पैथोलॉजी वाला पढ़ रहे थे इससे पहले हमने कुछ वायरसेस के बारे में पढ़ा या कौन कौन से स्पेसिफिक टेस्ट फीचर या कॉम्प्लिकेशन या कुछ साइन है जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़े देन आता है हमारा कॉमनेस साइट ऑफ लीजन थ्री टू एट तीन सौ अट्ठाईस पेज नंबर पे तो कॉर्न है जो उसकी मेन साइट क्या है फिट पे होता है टोज में हैंड्स पे होती है अगर कॉलोन के कार्सिनोमा की बात करें तो सिग्मोइड कॉलोन का होता है ज्यादातर ट्यूबरकुलर अल्सर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे हाईलाइट कर लीजिए ट्रांसवर्स इन शेप जो ट्यूबरकुलस अल्सर होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं शेप में अल्सर भी स्मॉल में बनते हैं लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं तो वाले होते हैं और जो ट्यूबरकुलर है हमारे वो क्या होते हैं ट्रांसवर्स देन क्रॉन्स डिजीज हाइलाइट कर लीजिए इलियोसिकल वॉल्व क्रॉन्स डिजीज हमारी इलियोसिकल वॉल्व वहां पे ज्यादा होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारा रेक्टम का होता है मेनली कॉमनेस टाइप ऑफ इंटोस इलियोसिकल है एमएसिस को हाईलाइट कर लीजिए सिग्मोड कॉलन एम में सिग्मोड कॉलन जो वो मोस्टली अफेक्टेड होता है प्रेगनेंसी ट्यूमर गम्स का नेक्स्ट सम सिनोनिम्स जो है तो पल्सलेस डिजीज जो है वो तकियासु डिजीज को बोलते हैं इंपॉर्टेंट है ये भी हिपैटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन विल्सन डिजीज को बोलते हैं टी एओ हाईलाइट कर लीजिए थ्रोम्बो एंजाइटिस इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिए टी ए ओ शॉर्ट फॉर्म है इसकी तो टी ए ओ बर्जस जो डिजीज है उसको बोला जाता है तो आपने विल्सन डिजीज और बर्जर डिजीज को हाईलाइट किया नेक्स्ट है हमारा हेमेचूरिया अगर बिफोर मिक्चुरेशन हेमेचुरिया होता है मतलब जो यूरिनेशन के टाइम पे ब्लड का आना तो अगर बिफोर मिक्चुरेशन होता है इसका मतलब जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें अल्सर हो सकता है अगर एंड ऑफ मिक्सुरेशन पे आता है इसका मतलब है उसको, जा जा दोनों पे है, तो की वजह से हो सकता है फिर हम बात करते हैं फ्लूड इन्फ्यूजन इज असेंशियल व्हेन बर्न इज 50 परसेंट इन एडल्ट एंड 10 परसेंट इन द चिल्ड्रन आप यही लिख लीजिए बर्न है जो किसी पेशेंट को अगर बर्न है लिखिए बर्न फिर डायरिया बर्न है या डायरिया हुआ है तो फ्लूड जो चॉइस ऑफ फ्लूड है वो रिंगर लैक्टेट दिया जाता है बर्न का पेशेंट है अगर और डायरिया है किसी को तो चॉइस ऑफ फ्लूड लैक्टेट देते हैं नेक्स्ट देखिए इसके दो वर्ड छोड़ के देखिए दो लाइनें जो पॉइंट्स हैं उसको छोड़ के कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर इन कशिंग सिंड्रोम वर्टीब्रा का फ्रैक्चर मोस्टली होता है टेलीफोनिस्ट ईयर या सिंगापोर ईयर बोलते हैं इन एक्सटर्नल सीमेंट किडनी जो है वो किडनी है अगर तो उसमें हो जाती है फ्रॉग फेस नेजो कार्सिनोमा में देखने को मिलता है फ्रॉग हैंड पे स्टार लगा लीजिए डीप पामर एप्सेस डीप पामर एप्सेस है तो फ्रॉग हैंड ऐसा देखने को मिलेगा कॉन्ट्री मैन लिप जो है वो लिप कार्सिनोमा में आप एक लिखिए मिलियन ईयर साइन एम आई एल आई ए एन एस मिलियंस ईयर साइन ये देखने को मिलेगा एरिसिपिलस में ई आर वाई एस आई ई एल एस एरिसिपिलस जिसको हम आयुर्वेद में विसर्प से कोरिलेट करते हैं तो एरिसिपिलस में मिलियन ईयर साइन मिलेगा नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे हमारा तीन सौ उनतीस पे ट्रेंच फुट को आपने हाईलाइट किया बाइट में ट्रेंच फुट इन बाइट, फुट जो है मायोटिक इन्फेक्शन में हैंड बॉय स्टमक स्कारिंग ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर लेदर बॉटल स्टमक हाईलाइट कर लीजिए लाइनाइटिस प्लास्टिका लेदर बॉटल स्टमक प्लास्टिका टेनिस एल्बो क्या है टेंडेनाइटिस ऑफ लेटरल एपिकोन्डाइल ऑफ ह्यूमरस ह्यूमरस का जो लेटरल एपिकोन्डाइल है वहां के जो टेंडेंस है उनमें प्रॉब्लम हो जाए तो टेनिस एल्बो गोल्फर्स एल्बो में क्या होता है मीडियल एपिकोन्डाइल है जो हमारा जो ह्यूमरस है अब आप देखिए अपनी बाजू अगर सीधी करेंगे तो उसका मीडियल पार्ट मतलब जो अपनी तरफ है आपका पार्ट वो मीडियल है बाहर वाला यानी जो रेडियस की साइड है वो आपका क्या है लेटरल है तो जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहां के अगर टेंडन में प्रॉब्लम होती है तो टेनिस एल्बो उसको बोलते हैं अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल है वहां पे टेंडन है तो उसको गोल्फर्स एल्बो बोला जाता है नेक्स्ट फुटबॉलर एंकल जो ऑफ एंकल है हाउस मेड नी मतलब प्री को बोलते हैं स्टूडेंट एल्बो ऑलिकन बर्सेराइटिस को बोलते हैं जैसे आपको पता है जब हम बैठते हैं स्टूडेंट मतलब पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो एल्बो हमारी टच होती है ना उस जो हमारा टेबल है स्टडी टेबल है उस पर एल्बो रखते हैं तो ऑलिक -e प्रोसेस है हमारा वो एल्बो का तो ऑलिक -e जो बर्साइटिस है वो क्या है स्टूडेंट एल्बोस को हम बोलते हैं वीवर्स बॉटम बोलते हैं स्टील बर्साइटिस को विंटर बैडी पोस्ट कैल्केनियल बर्साइटिस को पुलिसमैन हील को आपने हाईलाइट किया पुलिसमैन हील ये इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रोफैटिक टिश्यू ऑफ हील पोर्टर्स हैंड हमारे बरसा बिटवीन द क्लेविकल और स्किन जब इनवॉल्व हो गार्डनर हैंड बोलते हैं कैलोसिटी वाले को और क्लैगी मैन नीज वो इंटरप्राइटिस मेन कंपोनेंट ऑफ गॉल स्टोन आपने हाईलाइट किया जो गॉल स्टोन होते हैं यानी गॉल ब्लेडर में जो स्टोन बनते हैं यानी कॉलीलिथियासिस जिसको हम बोलते हैं तो कॉलीलिथियासिस का मेन कंपोनेंट क्या होता है कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं वो सिल्वर नीडल इज यूज फॉर रीनल बायोप्सी इडियोपैथिक एपिलेप्सी नेवर कम्स बिफोर सिक्स ईयर एंड आफ्टर थर्टी ईयर ड्रग MI. इंडेटाइटिसक्सर MI हो तो क्या होगा जो फर्स्ट डे है मतलब एक दिन बाद ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा और थर्ड या फोर्थ डे पे फीवर मैक्सिमम होता है नेक्स्ट है अल्सर की जो शेप यहाँ पे बताई हुई है इम्पोर्टेंट है ये फ्लास्क शेप अल्सर जो एम एसिस में देखने को मिलेंगे नेक शेप अल्सर भी हमारे में तो फ्लास्क शेप या फिर बॉटल नेक शेप में दिखने को मिलेंगे अल्सर ट्रॉफिक अल्सर हमारे न्यूरोजेनिक अल्सर है स्नेल ट्रैक हाईलाइट कर लीजिए सिफिलिस में एस से स्नेल ट्रैक और एस से सिफिलिस सिफिलिस में स्नेल ट्रैक अल्सर मिलेंगे मार्जोनिल जो अल्सर है हमारे ऑन द स्कार ऑफ बर्न बर्न के जो स्कार है वहां पे मिलेंगे ऐसा नहीं है मार्जोन जो जैसे मार्जोलिन अल्सर हैं ये बर्न पे ही मिलेंगे और किसी में नहीं होते ऐसा नहीं है जैसे ट्यूमर जो है मेलिगनेंट जो स्कार होते हैं ना मेलिग्नेंट में भी मार्जोन अल्सर मिलता है नेक्स्ट है हमारे मेन ट्रायड के बारे में तो मर्फी ट्रायड हम पढ़ चुके हैं क्यूट एमेंडिसाइटिस में आता है पी वी और टी पेन वॉमिटिंग और टेम्परेचर होता है जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या ट्रायड मिलेगा स्प्लीनो होगी पेशेंट को साइटिस होगा और इसोफेजियल वैरोस वैरिकोसिटीज वूपिंग कफ में क्या होगा वूप खांसी जैसे होती है वो ईएसआर कम हो जाना इंपॉर्टेंट है इसमें हाईलाइट कर लीजिए वूपिंग कफ में वूप मिलेगा ईएसआर कम हो जाएगा पेशेंट का और लिम्फोसाइटोसिस नेक्स्ट कसिंग जो ट्रायड है उसमें क्या होगा इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब बीपी बढ़ जाएगा पल्स रेट कम हो जाएगा पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी कम सेंट जो है वो गोल स्टोन में मिले मतलब उसमें गोलस्टोन हो गया अगर हाइटस हर्निया हो गया और डायवर्टिकुलाइटिस उसको बोलते हैं सेंट्रायड नेक्स्ट कॉमनेस्ट एक्सीडेंटल पॉइजन होता है हमारा केरोसिन कॉमनेस्ट मेलिगनेंसी इन द मेल इज कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी हाईलाइट कर लीजिए मेल्स में जो कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी है वो है ओरल कैविटी की नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा बेसिलस इज आल्सो कॉल्ड एज स नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम डिपथीरिया है उसको हम क्लेब क्लेबलॉल बेसिलस भी बोलते हैं माइको बैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको कॉक्स बेसिलस भी बोलते हैं तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबर वाले को आपने हाईलाइट किया कॉक्स बेसिलस नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा एसिड फास्ट बेसिलस जो है वो टीबी का लेप्रोसिक और नोकॉर्डिया को हम बोलते हैं तो जैसे जब किसी को टीबी हो भी जाता है तो हम स्पूटम एग्जामिनेशन कराते हैं ना तो जब लिखते हैं उसके लिए एग्जामिनेशन तो ऐसे लिखते हैं फॉर यानी एसिड फास्ट बेसिलस तो टीबी लेप्रोसी और नोकॉर्डिया नेक्स्ट ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट एंड ऑल बेसिलाई आर ग्राम नेगेटिव एक्सेप्ट डिप्थीरिया टेटनी टीबी एंथ्रेक्स या फिर एक्टिनोमाइकोसिस। फिर कुछ मेन बॉडीज हैं जो हमारे मतलब बॉडी में मिलती हैं तो वो किस डिजीज से रिलेटेड हैं वो आपको याद रखनी है हॉली जॉली बॉडीज जो है वो ये स्प्लिनिक एट्रोफी है या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया उसमें मिलती है बेब्स अर्नेस्ट ग्रेन्यूल्स जो वो डिप्थीरिया में काउंसिल मैन बॉडी येलो फीवर में मिलती है या एक्यूट हेपेटाइटिस में इंपॉर्टेंट है ये भी और एलडी बॉडीज तो आप हाईलाइट कर लीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एलडी बॉडीज मिलती है काला आजार में इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है काला आजार का वो क्या है लिश्मेनिया डोनोवेनी तो एल डी वहां से बना है तो लिश्मेनिया डोनोवेनी की बॉडी मिलेंगे ना कालाजार में तो एलडी बॉडीज मिलती है काला हजार में येलो फीवर में काउंसिल मैन बॉडी आपने स्टार लगाया नेक्स्ट डोनोवन बॉडीज फाउंड इन ग्रैनुलोमा इंगवाइनल लेवी बॉडी आप हाईलाइट कर लीजिए पार्किंसंस में पार्किंसंस डिजीज में लेवी बॉडीज मिल सकती हैं रिशेल बॉडी फाउंड इन मल्टीपल माइलोमा एंड रेडिकुलर सिस्ट वार्थिन फ्रिंकल्डि गैंट जायंट सेल जो है वो मीजल्स में गामा गैंडी बॉडीज जायंट सेल है जो पैसिव कंजेशन ऑफ स्प्लीन निग्री बॉडी हाईलाइट कर लीजिए ऑफ रेबीज निगरी बॉडीज रेबीज में मिलती हैं फिर नेक्स्ट है हमारा आप देखिए हंड्रेड डे दे कफ लिखा है ना दो तीन पॉइंट छोड़ के हंड्रेड डे कफ हाईलाइट कर लीजिए हंड्रेड डेज कफ बोला जाता है वूपिंग कफ को यानी बहुत टाइम तक रहती है ना इसलिए नेक्स्ट एर्थ डे डिजीज न्योनाइटल टेटनस को बोला जाता है न्योनेटल टेटनेस को एट्थ डे डिजीज़ बोलते हैं हंड्रेड डे कफिंग कफ को और सी एस एफ स्वेट एंड में स्वेट में और यूरिन में लाइसोजोम्स नहीं होते पॉजिटिव फैक्टर ऑफ एरगोटिज्म होता है हमारा नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इन्फ्लुएंजा का है वन टू थ्री डेज का टू टू सिक्स डेंगू का थ्री टू फिफ्टीन मीजल्स का हाईलाइट कर लीजिए टेन डेज एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको अब यहाँ पे ये यह पढ़ लिया आपने जैसे मीजल्स का आपने यहां दस पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट दस होगा हो ही होगा अगर जैसे आपको ऑप्शन आए हुए हैं कि वन टू थ्री है या फिर सेवन टू नाइन है और ऑप्शन फिफ्टीन टू ट्वेंटी इस तरीके से तो जो आसपास का ऑप्शन है वो आपने टिक करना है एग्जैक्ट जो ये लिख दिया यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि अलग अलग बुक आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे पैथोलॉजी की बुक पढ़ोगे फिर केसी के लिए मतलब जो नॉर्मल हमारे जनरल मेडिसिन की कोई और बुक है तो सब जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन एक दो दिन का ही चेंज है बस तो आपको उसके आसपास वाला जो ऑप्शन है ना उसको टिक करना होता है तो मीजल्स टेन डेज लिखा है यहाँ पे पर है हमारा सेवन टू फोर्टीन डेज चिकन पॉक्स या मम्स टू टू थ्री वीक्स हैपेटाइटिस ए को हाईलाइट कर लीजिए फिफ्टीन टू फिफ्टी डेज पंद्रह से पचास दिन नेक्स्ट फिलीरियसिस पांच से आठ महीने और टीबी जो है वो वीक टू कुछ मंथ तक हो सकता है नेक्स्ट लाइन में एंथ्रेक्स का है वन टू थ्री डेज डिप्थीरिया का टू टू फाइव टाइफाइड का हाईलाइट कर लीजिए उत्तराखंड पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है ये टाइफाइड वाला टाइफाइड का टेन टू फोर्टीन डेज टेटनस का थ्री टू ट्वेंटी वन मलेरिया का हाईलाइट कर लीजिए फोर्टीन डेज होता है मलेरिया का फोर्टीन पोलियो का सेवन टू फोर्टीन एम का थ्री टू फोर वीक हेपेटाइटिस बी का हाईलाइट कर लीजिए पचास से एक सौ साठ डेज फिफ्टी टू वन सिक्सटी हेपेटाइटिस ए में पंद्रह से पचास लग रहे हैं दिन और हेपेटाइटिस बी में पचास से एक सौ साठ ट्रेकोमा में फाइव टू ट्वेल्व डेज सीसी फ्लाई आर ग्लोसिनिया भी बोलते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो को हम नोसेंस मॉस्किटो बोलते हैं एडीज एडीजो को हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेपरी कैन फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क येलो फीवर वायरस कैन पेनिट्रेट द स्किन एपिडेमिक ड्रॉप्सीज कॉज्ड बाय आर्जीमॉन मैक्सिकाना ऑयल स्वर्ण क्षीरी का जो तेल है उससे हो सकती है एपिडेमिक ड्रॉपसी मलेरियल एपिडेमिसिटी इज डिटर्मिन बाय स्प्लिनिक रेट आप एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए आया हुआ क्वेश्चन है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी ये लिखिए क्वेश्चन क्योंकि ऑप्शन आपको थोड़ा ध्यान देने हैं इस पर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी पूछा हुआ था ये क्वेश्चन उसके ऑप्शन थे थ्री टू सेवन डेज थ्री टू सेवन डेज सॉरी थ्री टू सेवन वीक्स लिखिए थ्री टू सेवन वीक्स सिक्सटी डेज टू सिक्स मंथ दूसरा ऑप्शन है साठ दिन से छ महीने थर्ड ऑप्शन था वन टू थ्री डेज और लास्ट ऑप्शन था वन टू फोर वीक्स एक ऑप्शन है तीन से सात हफ्ते थ्री टू सेवन वीक्स एक ऑप्शन है साठ दिन से लेके छ महीने तक एक है तीन एक से तीन दिन या फिर एक से चार हफ्ते तो ये ऑप्शन थे जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है हेपेटाइटिस बी का इस तरीके से पूछा होता अभी हमने पढ़ लिया पचास से एक सौ साठ दिन होता है तो उसको वीक्स की फॉर्म में या मंथ्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर जिसका गया था सिक्सटी टू सिक्सटी डेज टू सिक्स मंथ हाइलाइट कर लीजिए या उस ऑप्शन को अच्छे से टिक कर लीजिए साठ दिन से छ मंथ इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का या फिर एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था हेपेटाइटिस बी वायरस एंड इनक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बी का वायरस कौन सा है मतलब पॉजिटिव वायरस कौन है एंड इंक्यूबेशन पीरियड क्या है तो आंसर था जिसका हैपटिडीना वायरस एच ई ई हैपेडीना वायरस सॉरी हैपेडीना वायरस और इंक्यूबेशन पीरियड वहां पे टिक हुआ था फोर टू ट्वेंटी एट वीक्स फोर टू ट्वेंटी एट वीक्स तो चार से अठाईस हफ्ते वैसा हो गया दिन की फॉर्म में आया तो फिफ्टी टू वन सिक्सटी डेज और वैसे साठ दिन से लेके छह मंथ तक ये ऑप्शन जो है वो इस तरीके से भी आपको आ सकते हैं नेक्स्ट देखिए आप राइट पेज पे कैंसर ऑफ ओरल कैविटी इज मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल इन इंडिया कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ फीमेल इन इंडिया इंडिया जो है उसमें फीमेल्स में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज ऑल्सो कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन हाईलाइट कर लीजिए आप पेज के टॉप पर लिखिए ए एल एल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो अभी आपने हाईलाइट किया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हमारा जो है वो बच्चों में होने वाला कॉमनेस्ट कैंसर है तो ए एल एल लिखिए आप उसके आगे लिख लीजिए चिल्ड्रन एल एल यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बच्चों में ज्यादा होते हैं फिर लिखिए ए एम एल एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया जो होता है ल्यूकेमिया के टाइप्स है ना हमारे दो तरीके का एक्यूट और क्रॉनिक होता है फिर एक्यूट भी दो तरीके का एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक या फिर एक्यूट माइलोब्लास्टिक और उसी तरह क्रॉनिक भी दो तरीके का होता है तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं जो आपने पहला पॉइंट लिखा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया यानी ए एल एल वो होता है ज्यादातर बच्चों में यानी चिल्ड्रन आपने लिखा उसके आगे आरो करके फिर लिखिए ए एम एल एम एल का मतलब एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो होता है ल्यूकेमिया वो एडल्ट्स में ज्यादा होता है ए एम एल एडल्ट में ज्यादा फिर लिखिए सी एल एल क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो होता है सी एल एल वो ओल्ड एज में देखने को मिलेगा ओल्ड एज में ठीक है अब देखिए इसको याद रखने का मतलब किसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ना वैसे तो कोई भी ट्रिक लेकिन सब क्या है बच्चा जैसा होना चाहते हैं ना सभी तो ऑल यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बच्चों में ज्यादा होता है यानी बच्चे सभी बनना चाहते हैं ना तो ऑल चिल्ड्रन में होता है फिर अमल जो होता है चीजों पर जैसे अमल करना कोई चीज सुन ली ऐसा नहीं है ज्ञान की बातें देनी चाहिए उन पे अमल भी करना चाहिए जो अमल होता है वो कौन करेंगे बड़े ही तो करेंगे उन्हीं को तो समझ आए तो ए एम एल में होता है और सी एल एल जो है हमारा वो क्या होगा ओल्ड एज पेशेंट में आता है नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबर क्लोसिस इज कॉमनेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में ट्यूबर क्लोसिस मेन जो है वो प्रॉब्लम है कॉमनेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम है फिर इसके नीचे जो वो टेबल बनी हुई है कि वेक्टर कौन 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 से से हैं डिजीज़ उसका फैक्टर है मतलब जैसे डिजीज में देखिए पहली मलेरिया डिजीज है उसका जो मेन कॉजिटिव ऑर्गेनिजम है वो तो प्लाज्मोमोडियम है हाईलाइट किया मलेरिया क्या प्लाज्मोडियम की वजह से होती है लेकिन प्लाज्मोडियम को जो लेके जाने का काम कर रही है ना इधर उधर वो कौन है वेक्टर कौन है उसका एनाफ्लिस मॉस्किटो को आपने हाईलाइट किया तो वेक्टर है एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया का और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है देन फ्लेरियसिस में कॉजिटिव मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी आपने हाईलाइट किया लेकिन वैक्टर कौन है क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसका फिर येलो फीवर डेंगू और फ्लेरिएसिस अर्बो वायरस की वजह से हो रहे हैं साइड में लिखा है यानी हमारा जो डेंगू है वो अर्बो वायरस की वजह से होता है और इसका वेक्टर एडीज या फिर टाइगर मॉस्किटो लिख लीजिए टाइगर मॉस्किटो एडीज को बोलते हैं ना टाइगर मॉस्किटो देन हमारा आता है एंटेरिक फीवर है डायरिया है या फिर डिसेंट्री है कॉलेरा है इनका पॉजिटिव फैक्टर मेनली एंटमिबा हिस्टोलिटिका है और ये वेक्टर कौन है इसको पहुंचाने का काम इधर उधर हाउस फ्लाई जो होती है मस्का डोमेस्टिका जिसको हम बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका है, वो इसको ले जाने का काम कर यानी इसका वेक्टर है नेक्स्ट हमारा आता है काला आजार आप हाईलाइट कर लीजिए इसका पॉजिटिव फैक्टर है लिश्मेनिया डोनोवेनी और इसको वेक्टर कौन है इसका सेंड फ्लाई है सेंट फ्लाई को आपने हाईलाइट किया काला आजार एंड लिश्मेनिया डोनोवेनी फिर नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग सिकनेस को आपने हाईलाइट किया उसका हमारा कॉजेटिव फैक्टर है ट्रिपेनोजोमा और वैक्टर कौन है सीसी फ्लाई सीसी फ्लाई को आपने हाईलाइट किया स्लीपिंग सिकनेस में नेक्स्ट है हमारा प्लेग प्लेग का कॉजेटिव फैक्टर लिख लीजिए यर्सिन पेस्टिस प्लेग का कॉजेटिव जो है वो फैक्टर आप लिख लीजिए लिखा नहीं हुआ यर्सिनिया पेस्टिस वाई ए आर एसई एन -e आई ए यर्सिनिया पेस्टिस प्लेग का कॉजेटिव फैक्टर है और उसको जो वो है वो वैक्टर कौन है रेड फ्ली है नेक्स्ट है शीलर आयोडिन स्टेनिंग इज यूज फॉर कार्सिनोम ऑफ सर्विक्स हाइपर ट्रॉफी का मतलब क्या होता है इंक्रीज साइज ऑफ द सेल हाईलाइट कर लीजिए इसको सेल के साइज का बढ़ना हाइपर ट्रॉफी कहलाता है नंबर्स का बढ़ना हमारा जो है वो हाइपर प्लेजिया कहलाता है नेक्स्ट डिसिया ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन और रिवर्सिबल चेंज इन द मेटा जो प्लेजिया होता है वो चेंज इन वन टाइप ऑफ सेल इन टू अनदर एक टाइप ऑफ सेल दूसरे में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं प्लेजिया नेक्रोसिस क्या होता है डेथ ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सराउंड बाय लिविंग जो सेल्स हैं गैंग्रीन में मैसिव नेक्रोसिस हो जाती है सुपर सुपर एडिड प्यूट्रिफिकेशन कोथ जिसको हम बोलते हैं ना आयुर्वेद में कोथ होने लगता है सड़ने लगती है तो वो हो जाता है मेन गेट्स यहाँ पे कुछ बोली है लर्चिंग गेट जो है वो पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मिडियस और मिनिमस है उनकी अगर पैरालिसिस हो जाए तो ऐसी गेट गेट हो जाएगी इस तरीके से चलेगा पेशेंट हाईलाइट कर लीजिए हेमीप्लेजिया में हेमीप्लेजिया में स्पास्टिक गेट हो जाती है वेडलिंग गेट जो है वो हमारा प्रोक्सिमल मसल वीकनेस में ड्रंकन गेट हाईलाइट कर लीजिए सैरी बेलर एटेक्सिया सेटेक्सिया में ड्रंकन गेट जैसे किसी पर्सन ने ड्रिंक कर रखी हो तब वो चलता है ना वैसी गेट हो जाती है स्टैंपिंग गेट सेंसरी एटेक् में फेस्टिनेटिंग गेट हाईलाइट कर लीजिए में फेस्टिनेटिंग गेट शॉर्ट शफलिंग गेट होती है मतलब चलेगा तो तेज तेज लेकिन बहुत छोटे छोटे स्टेप रखता है तो फेस्टिनेटिंग गेट जो है वो पार्किसन में मिलती है ड्रंकन गेट सेरिबेलर बेलर एटेक्सिया में और स्पास्टिक गेट हेमीप्लेजिया में ये आपने हाईलाइट किया नेक्स्ट है हमारा डिसिया डिस कार्डियोस्पाज डिफिकल्टी इन ये हमारा मेन लक्षण है फर्स्ट इन लिक्विड सॉलिड पहले तो लिक्विड चीजों से भी डिस्फेजिया होगा देन सॉलिड से भी होने लगता है दूसरा जो डिस्फेजिया है वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी होता है तो मैकेनिकल अगर ऑब्स्ट्रक्शन है कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है इसोफेगस में उसकी वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया हो रहा है तो क्या होगा पहले सॉलिड से होगा देन लिक्विड से प्रोग्रेसिवली वर्सन क्यों होगा डिसफेजिया अगर पहले पेशेंट को थोड़ा था बढ़ता जा रहा है तो का मे बी कार्सिनोमा की कंडीशन है या फिर स्ट्रिक्चर है सडन ऑनसेट डिस्फेजिया तो मतलब फॉरन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एक्यूट इसोफेजाइटिस भी उसका कारण हो सकता है अगर स्लो ऑनसेट है विद लॉन्ग हिस्ट्री बहुत टाइम से है पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा लॉन्ग टाइम है लेकिन स्लो ऑनसेट तो बिनाइन स्ट्रिक्चर हो या एक्जिया की वजह से भी हो सकता है तो ये हमारा जो पैथोलॉजी है तीन पेज नंबर तक कि ये कंप्लीट होती है